प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक रिज मैदान पर रैली को करेंगे संबोधित। देश भर से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के 240 लाभार्थी भी जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में मीडिया महामंथन कॉन्क्लेव में लिया भाग। अपने संवाद में मुख्यमंत्री ने गिनाई प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। इस कॉन्क्लेव में हिमाचल सहित भाजपा शासित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया भाग। दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कहा, केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने का जश्न शिमला में होने को लेकर दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से की मुलाकात। साथ ही हिमाचल में चुनावी वर्ष होने के चलते रणनीति बनाने के लिए भी दिल्ली में की गई चर्चा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह पर उन्हें दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने धूमल और उनकी धर्मपत्नी शीला धूमल के स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने परिधि गृह हमीरपुर में सुनी जनसमस्याएं। कॉलेज प्रवक्ताओं की समस्याओं का जल्द होगा समाधान। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा, यूजीसी से वेतनमान को लेकर की जा रही चर्चा। कोविड-19 से मुक्त हुआ ऊना जिला। ऊना में अब कोई एक्टिव केस नहीं मौजूद। डीसी ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। पेपर लीक मामले पर डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार क्रमिक भूख हड़ताल पर। यूथ कांग्रेस ने काले बिल्ले लगाकर धर्मशाला में डीसी कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित जिला कौशल समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। 5 दिनों के भीतर संबंधित विभागों को कौशल विकास के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डाटा उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। लुहरी जल विद्युत परियोजना प्रभावित 6 पंचायतों के लोगों ने ठियोग के विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में परियोजना मुख्यालय बिथल में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने परियोजना निर्माताओं और प्रशासन को दी चेतावनी, जल्द समस्या हल नहीं हुई तो परियोजना निर्माण होगा ठप। बीती रात प्रदेश के अधिकांश भागों में आए तूफान और वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हालांकि तूफान और ओलावृष्टि से कृषि और बागवानी को हुआ भारी नुकसान। मौसम विभाग द्वारा 27 मई तक तूफान, वर्षा और ओलावृष्टि का अलर्ट।